मथुरा एसटीएफ ने शिक्षक भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के साथ कई महत्वपूर्ण चीजें भी बरामद की गई हैं। फर्जी नियुक्ति के इस मामले में इससे पहले भी 16 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और इस घोटाले के मास्टरमाइंड राजवीर की खोज में लगी एसटीएफ ने उसके घर में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। दबिश के दौरान सबूत के तौर पर नियुक्ति पत्र की मूल कॉपी, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप और कई बैंक अकाउंट के अलावा फर्जी मोहर समेत करोड़ों रुपए के लेनदेन के हिसाब की डायरी भी बरामद हुई है। शिक्षा विभाग में निकली 29,334 शिक्षक भर्ती और 12,460 शिक्षक भर्ती के मामले में ये फर्जीवाड़ा सामने आया था और इसके बाद बीएसए ने एक बाबू समेत 34 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए फर्जीवाड़े की जांच शासन ने एसटीएफ को सौंपी थी और एसटीएफ लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रही थी। एसटीएफ ने मथुरा में 29,334 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में जो पूर्व में मुकदमा कायम किया था, जिसमें एक राजवीर सिंह वांछित चल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी आज संभव हो सकी है। थाना कोतवाली क्षेत्र से ये इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनसे 5 कूट रचित फाइल के दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और उन कूट रचित दस्तावेजों को तैयार करने वाली सामग्री भी प्राप्त हुई।